आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक सबसे जरूरी चीज के बारे में जो काफी सारे लोग इंटरनेट के ऊपर पूछते हैं कि अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर ऐसे सब एनिमेस टीवी के ऊपर क्यों नहीं आते, क्योंकि अब तो नारुतो, ड्रैगन बॉल और कई सारे एनिमेस अब टीवी के ऊपर आते हैं, बट यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन और डीमन स्लेयर और बाकी कई एनिमेस टीवी पे क्यों नहीं आते, क्या उनके अंदर कोई दिक्कत है या फिर इंडियन टेलीविजन को इन सारे एनिमेस से प्रॉब्लम है, वो मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, जो कि तुम लोगों ने किया नहीं होगा, तो प्लीज यार कर देना, क्योंकि हम लोग है ना एक हफ्ते से 730 सब्सक्राइबर्स पे अटके हुए हैं और हमारे यार इस मंथ के अंदर सिर्फ 2 सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं, तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले पुराने एनिमेस की बात कर लेते हैं, नारुतो और ड्रैगन बॉल ये इंडियन टेलीविजन के ऊपर क्यों आ रहे हैं। तो देखो, नारुतो और ड्रैगन बॉल के कमबैक करने की सबसे बड़ी वजह है ना कि इसकी है ना इंडिया के अंदर काफी सारी अभी ऑडियंस है और बहुत पुराने ऐसे व्यूअर्स है जैसे मेरे जैसे और तुम्हारे जैसे काफी सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ड्रैगन बॉल और नारुतो को दोबारा टेलीविजन के ऊपर देखना चाहते थे। तो इसी वजह से है ना कार्टून नेटवर्क और सोनी ने ये फैसला किया कि वो इन दोनों ही एनिमेस को है ना टीवी के ऊपर लेके आएंगे। बट इनको इंडियन टेलीविजन के ऊपर लाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी इनकी सेंसरशिप। इन एनिमे के अंदर जैसा कि तुमने देखा होगा, अगर तुमने ये बिना सेंसर वाले एनिमे देखे हैं उनके अंदर तुमने देखा ही होगा कि इनके एक्शन सीक्वेंस के अंदर कितना ज्यादा ब्लड यूज होता है और वहां पे कितनी सारी चीजें इनको सेंसर करनी पड़ी थी। और जैसा कि तुम लोगों को मालूम है, जहां पे नारुतो जैसे शो के अंदर काफी सारे ऐसे भी सीन्स हैं जहां पे काफी ज्यादा न्यूडिटी दिखाई गई है, उन चीज को है ना सेंसर करने में काफी ज्यादा टाइम जाता है। लेकिन वहीं पे जैसे कि नारुतो की जो स्पेशल पावर्स है, जैसे कि नारुतो का वो स्पेशल जुत्सु है जिसके वजह से वो एक लड़की के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो चीज है ना टेलीविजन के ऊपर दिखाना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उनको है ना कन्विंस करना पड़ता है ये चीज के लिए कि नारुतो की स्पेशल पावर है। और अगर हम ये नहीं दिखाएंगे टेलीविजन के ऊपर तो बाकी सब लोगों को क्या पता चलेगा कि नारुतो के पास एक ऐसी पावर है कि वो लड़की के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो वो चीज के लिए कन्विंस करना है ना सेंसरशिप बोर्ड को, उसके अंदर ना काफी ज्यादा टाइम जाता है, तो इसलिए है ना इनको आने में इतना टाइम लगा, नहीं तो ये तुम्हें 2021 में ही देखने को मिलते ना कि 2022 में। तो तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि क्यों नारुतो और ड्रैगन बॉल इंडियन टेलीविजन के ऊपर वापस आए। बट अब ये नए वाले एनिमेस जैसे कि अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर, टोक्यो गुल, फुल मेटल अल्केमिस्ट, ऐसे सब एनिमेस टेलीविजन के ऊपर क्यों नहीं आ रहे। तो देखो, सबसे पहली तो चीज ये है ना कि हमारे यहाँ पे है ना ऐसे काफी ज्यादा कम चैनल्स है जिनके ऊपर हम एनिमे दिखा सकते हैं। अभी यहाँ पे इंडियन टेलीविजन के ऊपर 2 या 3 ऐसे ही चैनल्स है जो अभी एनिमे दिखाते हैं, उनमें आता है सबसे पहले कार्टून नेटवर्क, फिर उसके बाद सोनी, फिर कैफे। ये 3 चैनल्स है जिनके ऊपर अभी एनिमे आते हैं, जिनमें तुम हिंदी में भी देख सकते हो और जी कैफे के ऊपर इंग्लिश में भी देख सकते हो। बट इनके अंदर भी है ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनकी सेंसरशिप में है ना सबसे ज्यादा टाइम जाता है। जैसे कि तुम्हें पता ही है, डीमन स्लेयर में तो भाई पूरा ही शो ब्लड के ऊपर सेट है, अगर उसके अंदर ब्लड नहीं दिखाया जाता ना तो तुम्हें आधी से ज्यादा फाइट पता ही नहीं चलेगी। तो इसलिए डीमन स्लेयर जैसे शो को तो टीवी के ऊपर नहीं दिखा सकते। और जहां तक बात रही अटैक ऑन टाइटन की, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अटैक ऑन टाइटन और डेथ नोट और ऐसे सब शोज है ना कभी भी टेलीविजन के ऊपर नहीं आएंगे। क्यों? उसका भी एक सबसे बड़ा रीजन है, इन एनिमेस की जो स्टोरी लाइन है ना वो बहुत ही ज्यादा डार्क पाथ को फॉलो करती है। जो डेथ नोट है, अटैक ऑन टाइटन है और फुल मेटल अल्केमिस्ट है ना, स्टोरी लाइन है ना वो बहुत ज्यादा डार्क पाथ को फॉलो करती है। चलो एक बार को तो अगर तुम फुल मेटल अल्केमिस्ट को अलग भी हटा देते हो क्योंकि उसके अंदर थोड़ी बहुत स्टोरी अच्छी भी जाती है, लेकिन डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमेज है ना वो बहुत ज्यादा डार्क पाथ के ऊपर फॉलो होते हैं और उनके अंदर की जो चीजें है ना वो टेलीविजन के ऊपर दिखाना बहुत ज्यादा बेकार होंगी, क्योंकि है ना उससे है ना बहुत सारे लोगों को है ना गलत इंस्पिरेशन जाती है। और तुम्हें पता ही है इंडिया के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं इन सब चीजों से और बहुत सारी हरकतें करने लगते हैं, तो इसलिए वो सब चीजें है ना टेलीविजन के ऊपर नहीं दिखा सकते। और ये दो ऐसे एनिमे है ना, डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन, ये तो क्रंची रोल के ऊपर भी अवेलेबल नहीं है अभी इंडिया के अंदर, इंडियन रीजन के अंदर इनको अवेलेबल ही नहीं कर रखा है। और कुछ कंट्रीज के अंदर तो भाई इन दोनों ही एनिमेस को बैन कर रखा है कि मतलब ये वहां पे चला भी नहीं सकते, चाइना और पता नहीं कहां कहां रशिया वगैरह ऐसी कई कंट्रीज है जहां पे इन दोनों एनिमेस को बैन कर रखा है, वहां पे ऐसे एनिमेस है ना बिल्कुल भी नहीं चलते। तो सोचो भाई इंडिया के अंदर तो थोड़ी बहुत सेंसरशिप के ऊपर भी मतलब इतना बड़ा बवाल क्रिएट हो जाता है, तो अटैक ऑन टाइटन और डेथ नोट जैसे एनिमेस अगर टीवी के ऊपर आने लग जाएंगे तो उनसे भाई कितना ज्यादा बवाल क्रिएट हो सकता है। तो हाँ, मुझे लगता है तुम लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर ऐसे शोज क्यों इंडियन टेलीविजन के ऊपर नहीं आ सकते और ये क्यों नहीं चल सकते। और अगर तुम लोगों को ये बात
बात ढंग से समझ में आई है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है यार। प्लीज 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 फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और 1000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचाओ। तो बस यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नए किसी वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।